कश्मीर में हुए शहीद जवानों के लिए देश भर के लोगों में आक्रोश। आइए जानते हैं सोशल मीडिया का मिजाज। पीयूष बावेले लिखते हैं, सत्य कड़वा या अप्रिय हो सकता है लेकिन उसे पीछा नहीं छूट सकता। इसलिए ध्यान रखें कि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि राजा हरि सिंह अकेले भारत में शामिल होना चाहते तो मैं इस विलय को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसे कश्मीर की जनता ने स्वीकार किया है इसलिए मैं इसे सच्चा विलय मानता हूँ। उसके बाद जब भारत की सेना ने कवायलियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया तो नेहरू ने संसद में कहा, भारतीय फौज ने बहुत बहादुरी से अपना काम किया लेकिन ताकतवर से ताकतवर फौज ये काम इतनी जल्दी ना कर पाती अगर उसे कश्मीर की स्थानीय जनता का समर्थन ना मिलता। तो आज जो लोग चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, कश्मीर की जनता और हमारी फौज दोनों ही जान माल सुरक्षित रहे, उन्हें भी ध्यान देना होगा कि कश्मीर का हल कश्मीर की जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो बात गांधी कर रहे थे, जो नेहरू कह रहे थे, जो धारा 370 बनाते समय पटेल कह रहे थे, जो पूरा हिंदुस्तान कह रहा था, वो आज के हिंदुस्तान को भी समझनी होगी। शीतल पी सिंह अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखती है, आतंकवादी के पास एक ही चीज़ होती है और वो है धर्म, अकीदा, विश्वास। जबकि हमसे बार बार कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो उसके पास क्या होता है? क्या वो फाइन आर्ट, संगीत या सिनेमा की बारीकियों में डूबा हुआ इंसान होता है? क्या वो मूर्ति शिल्प होता है? क्या उसको उपन्यास, कविता या साहित्य का स्वरूप अपने में डुबो रखता है? या उसे दुनिया के ये नए नए हिस्सों की लंबी छोटी यात्राएं अपनी तरफ खींचे रहती है? उसे मुस्कुराते देखा है, सूर्यास्त होते देखना उसका शगल हो सकता है, या किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान की वो व्याख्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है? क्या वो तर्कपूर्ण तरीके से किसी प्रश्न का विचार कर सकता है? क्या उसकी ज़िंदगी का मूल्य पता होता है? नहीं नहीं, ये किसी आतंकवादी की पहचान नहीं। दुनिया और उसकी सुंदरता से उसका रिश्ता अधूरा होता है, उसकी इस बारे में कोई तर्कसंगत दृष्टि नहीं होती, वो नष्ट हो चुकी होती है, वो एक अलग दुनिया में होता है जिसमें ऊपर वर्णित हर चीज़ की जगह सिर्फ उसका धर्म होता है। धर्म जो उसकी शहादत की बेहद सुंदर महान व्याख्या समेत उसके दिमाग की खाली जगह में आभरता है या भर दिया जाता है। धर्म जो उसके अगले जन्म में उसे आज के जीवन में एकदम उलट कर सब कुछ सुंदर, सलोना और वैभवपूर्ण होने का दिवास स्वप्न भर देता है। धर्म जो उसे रोबोट में बदल देता है, जिसके लिए उसका खुद का और औरों का मौजूदा जीवन मूल्यहीन हो जाता है, बस अगले जन्म के स्वप्न तैरते रहते हैं। दरअसल ऐसे इंसान के पास, जिसमें हम आतंकवादी कहते हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म ही होता है और कुछ नहीं। जितेंद्र नारायण लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट पर, ना ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 29 आर्थिक अपराधियों को करोड़ों रुपए लेकर देश से भागने से रोक पाए, ना ही आतंकवादियों को देश के अंदर क्विंटल या क्विंटल आरडीएस लाने से रोक पाए। इनसे कुछ ना होगा भाई, ये बिल्कुल अक्षम और नक्कोर लोग हैं। प्रदीप चौधरी ने भी लिखा है, एक बात बताओ, जब मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर एक के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी, पाकिस्तान और इस्लामाबाद तक खदेड़ने की बात की थी, तो इनके राज में सबसे अधिक सैनिकों की जान गई तो सवाल किससे पूछें। अनुराग मिश्रा अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिन से पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जनसभाओं में ये कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, तो इससे पहले क्या उनके हाथ बंधे हुए थे? पहले क्या सेना को किसी तरह के एक्शन से रोका जा रहा था? क्या सरकार 40 जवानों की शहादत का इंतज़ार कर रही थी? पीएम को इसका जवाब देना चाहिए, और जवाब रैली में नहीं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश को बताएं कि कहां पर हमारे खुफिया तंत्र में गलतियां हुई है, कहां पर चूक हुई है, क्यों आज देश के 40 परिवार उजड़ गए हैं। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होती है, तब प्रधानमंत्री यवतमाल में रैली कर रहे थे। 15 तारीख को टीवी पर चलाया जाता है कि हमले के बाद उनके सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, बावजूद इसके कि वो किसी ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंच गए थे। झांसी में एक चुनावी रैली को संबोधित करके आए, जो लोग बीजेपी को देशभक्तों की पार्टी मानते हैं और बाकी दुनिया को देशद्रोही मानते हैं, वो उनसे पूछे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो लखनऊ में अपनी ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमले की वजह से रद्द कर दी थी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को कल कांग्रेस में शामिल होना था, वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन जिस दिन हमला हुआ उस दिन बीजेपी के अध्यक्ष
चुनावी सभा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी बीती शाम को कहीं गाना गा रहे थे। इसी बड़ी शहादत के बाद हमसे जो गलतियां हुई हैं उन पर सवाल पूछे जाने चाहिए। सीआरपीएफ के 2500 जवानों का काफिला बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के कैसे गुजर रहा था? कैसे कोई आतंकी 250 किलो विस्फोटक से भरी कार लेकर सड़क किनारे 12 घंटे तक खड़ा रहा और कोई चेक करने वाला तक नहीं था? जब 7 दिन पहले आतंकी हमले का अलर्ट आया था उस पर क्या कोई कार्रवाई की गई? प्रधानमंत्री और उनके नेता 2 साल से ये कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवादों की कमर टूट गई है और आतंकियों के पास रोटी खाने तक का पैसा नहीं है। ऐसे में 250 किलो विस्फोटक कैसे आया? कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? गम और गुस्से के इस माहौल में ये सवाल चुभेगा, लेकिन इनके जवाब भी ज़रूरी हैं ताकि आगे हम किसी जवान की ऐसी शहादत ना देनी पड़े। नहीं तो आज देश रो रहा है, आक्रोश जता रहा है और कल किसी अन्य मुद्दे की ओर मुड़ जाएगा। शहीदों के परिवार को अपनों के जाने का दुख अकेले ही झेलना है। सिद्धार्थ विमल ने भी लिखा है, कैसी अजीब विडंबना है, बगैर युद्ध ही रक्षा बजट, हथियार, गोला बारूद, युद्धक टैंक, विमान, तोपखाने पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर डालने वाली सरकार शहीद सैनिकों के परिवार को वाजिब मुआवजा देने से कतराती है। क्या किसी भी देश की सैन्य शक्ति सैनिकों के सम्मान और आत्मबल को प्रोत्साहित और सुरक्षित किए बगैर मजबूत रह सकती है? 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इतना ज़्यादा भी नहीं कि हमारी सरकार अफोर्ड ना कर सके। हजारों करोड़ लूट कर माल अपने खातों में डालने वाला क्यों सिर्फ अगरबत्ती घुमा ही मामला निपटा डालना चाहता है? कैसे? राकेश रुद्र यादव ने भी लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर, पूरे देश से भड़काऊ नारेबाजी और जुलूसों की खबरें आ रही हैं। सैनिकों की शहादत को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही। जिस देश ने अब भी अपने 49 जवान खोए हैं उनमें आप विद्वेष फैलाने की कोई भी कोशिश देश और उसके संविधान के प्रति विश्वघात है और उन दुश्मनों को मजबूत करना है जो इसका उपयोग विश्व जनमत के समक्ष हमारे देश की छवि धूमिल करने में करेंगे। हम भारत के नागरिक ये वचन लेते हैं कि पहला, ऐसे किसी सांप्रदायिक अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, सांप्रदायिक द्वेष और घृणा से भरे मैसेजेस तुरंत डिलीट करेंगे और इसे कहीं शेयर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तीसरा, कश्मीर सहित देश के किसी भी हिस्से के बंदेशों को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। चौथा, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए देश के साथ खड़े रहेंगे और दुख की इस घड़ी में इसे कमज़ोर करने वालों का विरोध करेंगे। पांचवा, नफरत की जगह भाईचारा फैलाकर ऐसी किसी साजिश को बेनकाब करेंगे। प्रशांत कन्नौजिया ने लिखा है, ये है इंडियन फर्जी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल, जिनका बिजनेस पार्टनर एक सऊदी का है और पाकिस्तान का है इनका बाप, और ये दोनों राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। वैसे शौर्य उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। भक्तों बजाओ ताली। ऋषिकांत कुशवाहा ने लिखा है, 200 किलो या 60 किलो खुद ही तौल के दिया था क्या? अरविंद यादव ने लिखा है, शक और सवाल लाजमी है। पीएम मोदी निर्लज्जता पूर्वक चुनावी सभाएं कर रहे हैं जबकि देश शोक और आक्रोश में है। वे खुलकर शहीद सैनिकों की अर्थियों पर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में ये भी जांच का विषय बनता है कि क्या सरकार के चुनावों के लिए जैश आतंकियों को सैन्य काफिलों पर हमले का अवसर दिया है? सरकार राफेल में बुरी तरह घिर चुकी है। कश्मीर में गवर्नर रूल लगाना है। सैन्य काफिले की रवानगी और रूट की आतंकियों को पहले से जानकारी होना और भारी मात्रा में विस्फोटक का संकलन करना, घटना को अंजाम देना बिना राज्य की मदद के कैसे संभव है? वासिफ खान अलिफ लिखते हैं, एक मुस्लिम रेजिमेंट बना दी जाए और उसकी पोस्टिंग कश्मीर में कर दो, फिर देखो एक भी पाकिस्तानी कंजर देश में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे रंजन यादव लिखते हैं, बहुत दुख की बात है, नरेंद्र मोदी आज भी ललित निबंध की तरह भाषण बोल रहे हैं। सुनने पर हर संवेदनशील व्यक्ति को गुस्सा आएगा, कोई इतना बनावटी बात कैसे कर सकता है? अरविंद यादव ने लिखा है, देशप्रेमी नागरिक के तौर पर सवाल पूछो कि पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ, सुरक्षा सलाहकार डावोल और कश्मीर के राज्यपाल मलिक में से किसी ने सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? सवाल पूछो कि शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक क्या सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि ऐसे करने पर पीएम मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं की तयशुदा रैलियां रद्द करनी पड़ती? सवाल पूछो कि सर्वदलीय बैठक से नदारत रहकर पीएम मोदी चुनाव सभा क्यों करने गए?
सवाल पूछो कि अब तक आरडीएक्स लेकर काफिले तक आतंकी की पहुंच से जुड़ी जांच पूरी क्यों नहीं हुई, क्यों कोई अफसर नहीं नपा। सवाल पूछो कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक निर्णय लेने की बजाय कार्रवाई का निर्णय सेना पर क्यों टाला। सवाल पूछो कि मोदी के कार्यकाल में सुरक्षा बलों के लोग ज्यादा क्यों शहीद हुए, क्यों नोटबंदी कोई असर आतंकवाद पर नहीं हुआ जिसका वायदा मोदी जी ने किया था। संयम रखो, युद्धमान से बचो, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखकर देश की एकता को संदेश दो। आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य उपायों पर निर्भर होना, उनका दुरुपयोग करना और कश्मीर में नागरिक अधिकारों का हनन करके शासक और शासित के बीच अविश्वास को बढ़ाने के तरीके पर सवाल कीजिए। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए तन मन धन से तत्पर रहिए, उनके लिए हर संभव सहायता का विश्वास दीजिए। युद्ध युद्ध की रट लगाकर और ज्यादा शहादतों की पृष्ठभूमि तैयार ना कीजिए। युद्ध बहुत बड़ा निर्णय है, उस पर सरकार को सोचने दीजिए कि देश की माली हालत क्या है और युद्ध कहां तक जा सकता है। याद रखिए, मोदी सरकार रिजर्व बैंक के सुरक्षित फंड से धन लेने के लिए उर्जित पटेल को हटा चुकी है। जागरूक नागरिक बनिए, उन्मादी भक्त नहीं। शहादत का चुनावी इस्तेमाल करने की हर कोशिश को धिक्कारिए, हतोत्साहित कीजिए और खुद की देशभक्ति को किसी के चुनावी फायदे के लिए प्रयोग ना होने दीजिए। सरकार का मूल्यांक उसके 5 साल से ना होकर वर्तमान उन्माद से है, ऐसा कौन चाहेगा, ये ध्यान रखिए। अरविंद कुमार लिखते हैं, पुलवामा हमले पर दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी और देश का पीएम महाराष्ट्र में चुनावी सभा लंबी लंबी फेंक रहा था। गौतम मौर्य ने लिखा है, 70 बसों के काफिलों में केवल 5वें नंबर का बस बुलेट प्रूफ नहीं है, ये हमलावर को किसने बताया, आईबी ने या भाजपा नेताओं ने। शैलेंद्र रावत लिखते हैं, हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली, इधर से कौन फेल हुआ, राजनाथ डोभाल या सरकार। राकेश रुद्र लिखते हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आतंकी हमले की जांच कराने की बात करोगे तो चीर देंगे। प्रियवंशु रंजन लिखते हैं, आंखों में जरा भी पानी होता तो बेशर्मी ऐसे बयान नहीं दी जाती और इस तरह वोट मांगने की हिम्मत नहीं होती। विजेंद्र कुमार अहिवार लिखते हैं, नागा बाबाओं पर योगी आदित्यनाथ ने 4,000 करोड़ खर्च कर दिए और देश के रक्षक शहीद सैनिकों के परिवार के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए बोल पाए। संजय गजबैये लिखते हैं, जब किसी नेता या ग्रुप या संस्था या सरकार के हारने की संभावनाएं बन जाती है तब निरपराध लोग और जवानों की हत्या करते हैं। अरविंद यादव ने भी लिखा है, जब तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है आतंकी हिंसा और पाक मुर्दाबाद के नारे लगाते हर एक शहर में निकल रहे जुलूसों की टाइमिंग में सामंजस्य देखो, मोदी के जनसभाओं के शेड्यूल को देखो, टीवी की उन्मादी टॉक शो देखो, उरी की घटना पर बनी फिल्म को देखो, सबसे पहले ये तय स्क्रिप्ट के अनुसार एक ही खिलाड़ी के दिमाग से जुड़ रही है, जबकि एक ही मांग है, मोदी महान है, वोट उसी को मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन टाई टाई फिस हुआ तो आतंकी हमलों को बहाना बनाकर जहर फैलाया जा रहा है। घृणा के आधार पर युवाओं को बांधने की पूरी घटना श्रृंखला बना ली गई है, अब लोकसभा चुनाव तक घृणा की तेज आंधी चलेगी और उसमें कोई नहीं बचेगा। प्रद्युमन यादव ने लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर, भारत में 2 तरह के आतंकवादी रहते हैं, पहले वो जो सैनिक और आम नागरिकों पर हमला कर उन्हें मारते हैं, दूसरा वो जो इस तरह की वारदात होने के बाद लोगों में फर्जी राष्ट्रवाद जागृत करते हैं और उनके हिंसक सांप्रदायिक व दंगई बनाते हैं। दोनों ही देश के लिए खतरनाक है, दोनों का आतंकवादी वारदातों के बाद मनोबल बढ़ता है, दोनों को देश तोड़ने से बल मिलता है। इस समय पहला आतंकवादी अपना काम कर चुका है, दूसरा पूरे दमखम के साथ अपनी सांप्रदायिक और हिंसक राजनीतिक चाले चल रहा है, टीवी अखबार इंटरनेट सब उसके सहयोगी बन चुके हैं, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पहला आतंकवादी कुछ लोगों को मारता है लेकिन दूसरा देश की हत्या करने पर आमादा है। भारत बुद्ध ने भी लिखा है, 30 किलो आरडीएक्स हवा में उड़कर नहीं आया भारत में, कुछ तो गद्दार बैठे हैं भारत में। राजा ने लिखा है, हमारे जो 15-15 लाख रुपए मोदी जी पर है वो देश के शहीदों के परिवार को दे दिए जाए, भारत की जनता। अरविंद सिंह ने भी लिखा है, सैनिकों को एयर लिफ्ट कराना चाहती थी सीआरपीएफ, उनसे रिक्वेस्ट लेटर गृह मंत्रालय को भेजा था लेकिन गृह मंत्रालय ने रिक्वेस्ट मानना तो दूर,
जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा, बाकी आप खुद समझदार हैं। संदीप रौजी लिखते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी जी ने अपनी पेंशन बरकरार रखते हुए अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर दी थी। केवल अभी शहीद हुए 40 जवान की ही नहीं बल्कि 2005 में भर्ती हुए अब तक सभी शहीद केंद्रीय पुलिस बलों के जवान एनपीएस के दायरे में थे। उनकी विधवाओं को इस बलिदान के बदले जीवन यापन के लिए कोई पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि नवनियुक्त विधायक व सांसद के दिवंगत होने पर उसके परिवार को तो पेंशन मिलेगा। इस प्रकरण पर 5 वर्ष से आंखें मूंदने वाली और छद्म राष्ट्रवाद का उन्माद फैलाने वाली बीजेपी सरकार क्या शासन के लायक है? जरा सोचिए महोदय, अगर आंखों में पानी हो तो कम से कम सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ही पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, वरना झूठे आंसू मत दिखाइए। दिलीप मंडल ने लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर, लोकसभा चुनाव 2019 बहुजन एजेंडा SC ST OBC किसान मजदूर और तमाम मेहनतकश लोगों के हक में, इसे कुछ बहुजन बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है, आप लोग अपनी राय दें। पहला, जातिवाद जनगणना कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना शुरू कराई थी। ऐसी घोषणा की गई कि वो काम 2015 में पूरा हुआ, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके बताएगी कि 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके कराई गई उस जनगणना का क्या हुआ। अगर ईमानदारी और प्रमाणिक आंकड़ा मौजूद हुआ तो उसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। 2021 की जनगणना में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा और हर जाति से संबंधित आंकड़े जारी किए जाएंगी। जाति की गिनती अलग से नहीं बल्कि जनगणना में ही कराई जाएगी। दूसरा, आबादी के अनुपात में आरक्षण। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संविधान द्वारा चिन्हित सामाजिक समूह यानी SC ST और OBC को आबादी के अनुपात में नौकरियां और शिक्षा के आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि सवर्ण गरीबों के आरक्षण के लिए 50% की अदालत द्वारा लगाई गई है सीमा तोड़ी जा चुकी है, इसलिए वंचित समूहों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने में अब कोई बाधा नहीं है। OBC आरक्षण 52% किया जाएगा। तीसरा, आरक्षण को लागू करने के लिए कानून बनेगा। आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद SC ST OBC का कोटा नहीं भरा जाता, इसके लिए तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का कोई कानून नहीं है, इसलिए एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे आरक्षण का नियम तोड़कर नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में भर्तियां करने वाले अधिकारियों को कैद और अर्थदंड किया जाएगा, और एक बार दंडित किए जाने के बाद उक्त अफसर को नियुक्ति की प्रक्रिया से हमेशा के लिए दूर रखा जाएगा। चौथा, आरक्षण अनुपालन के लिए लोकपाल बनाया जाएगा। केंद्र और राज्यों में आरक्षण लागू करने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा, जिसमें SC ST OBC कमीशन से प्रतिनिधि होंगे। इसकी अध्यक्षता इन सामाजिक समूहों में से ही आने वाला कोई जज होगा। देश भर की सरकारी नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में भर्तियों के सारे विज्ञापन इस संस्था के पास भेजे जाएंगे और लोकपाल की संस्तुति के बाद ही उन्हें जारी किया जाएगा। पांचवा, कोटा का बैकलॉग पूरा होने तक अनरिजर्व कैटेगरी की नियुक्तियों पर रोक लगेगी। SC ST OBC के लाखों पद इतने साल बाद भी खाली पड़े हैं, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी के पद भर जाते हैं। इस वजह से नौकरशाही और शिक्षा संस्थानों में जबरदस्त सामाजिक असंतुलन हो गया है, इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले तमाम बैकलॉग पूरे किए जाएं और ऐसा होने तक अनरिजर्व कैटेगरी में अब और नियुक्तियां ना की जाए। जब कोटा फुल हो जाए तो जिस कैटेगरी के पद की वैकेंसी हो उसी कैटेगरी से भरा जाए। रोस्टर लागू करने की ये एकमात्र तरीका है। छठा, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा। भारत में 1992 के बाद अवाद निजीकरण जारी है। कई सरकारी संस्था निजी हाथों में दिए जा चुके हैं, उन कंपनियों में अब आरक्षण नहीं दिया जा रही है। एडहॉक और आउटसोर्सिंग की वजह से भी आरक्षण का प्रावधान कमजोर हुआ है। ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के अलावा सामाजिक न्याय के अनुपालन का कोई रास्ता नहीं है। इसके पहले चरण में उन तमाम निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाए तो कंपनियां सरकार से किसी तरह का लोन, सस्ती जमीन, टैक्स छूट आदि लेती है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में इसका प्रावधान भी है। आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू हो। सातवा, 100 करोड़ तक के ठेके और सप्लाई में आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और
PSU में 100 करोड़ रुपए तक के तमाम ठेकों और सप्लाई के करारों में आरक्षण लागू किया जाएगा, ताकि SC ST OBC के उद्यमियों और व्यवसायियों को राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। 8वां बैंक ऋण में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जाएगी। आज किसी भी समाज में उद्यमिता के विकास के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक ऋण में वंचित तबकों को अक्सर छांट दिया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि कुल ऋण में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाए। 9वां उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, खासकर उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज लगभग नदारद हैं। इसके न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। करिया मुंडा संसदीय समिति ने इस समस्या का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दी है, जिस पर अमल करना आवश्यक है। जजों की नियुक्तियों में आरक्षण आवश्यक है। साथ ही कॉलेजियम की मनमानी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा। देश में हर जज इसी आयोग की परीक्षा के बाद नियुक्त होंगे और प्रमोशन के जरिए उच्च पदों तक पहुंचेंगे। 10वां 13-पॉइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाएगा। अदालतों के फैसलों के बाद शिक्षा क्षेत्र में लागू किए गए 13-पॉइंट के रोस्टर से ऐसी आशंका है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विभागों में आरक्षण व्यावहारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। इसलिए आवश्यक हो गया है कि अदालतों के आदेश को निरस्त करने कानून पारित किया जाए। नई सरकार ऐसा करेगी। 11वां OBC आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाया जाएगा। जब OBC आरक्षण लागू किया गया था, तब संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की शर्त लगाए जाने के कारण OBC कोटा ज़्यादातर खाली रह जा रहा है। खासकर उच्च पदों और शीर्ष संस्थानों में हर समुदाय का क्रीमी लेयर ही आता है। ऐसे में अगर सिर्फ OBC की क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया जाए, OBC पदों का खाली रह जाना स्वाभाविक है। 12वां कृषि उपकरण छोटे कारीगरों के काम में आने वाली मशीनें और पशुपालन में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च के लिए जो कर्ज मिलता है, उस पर ब्याज दर न्यूनतम की जाएगी। इन ऋणों के NPA हो जाने पर उनकी वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसे कॉरपोरेट लोन की वसूली की जाती है। 13वां सरकारी नौकरियों के अलावा देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है। ऐसी नियुक्तियाँ PSU और बैंकों के वोट से लेकर मंत्रालय और कंपनियों की सलाहकार समिति, अकादमियों से लेकर राजदूत और राज्यपाल के रूप में की जाती है। इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू किया जाएगा। 14 सरकारी भूमि का भूमिहीन SC ST और OBC में बंटवारा किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक साल के बाद देश में हर परिवार के पास कम से कम इतनी ज़मीन हो कि वो अपने लिए एक घर बना सके। 15 शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च मौजूदा स्तर से दोगुना किया जाएगा। समान शिक्षा नीति लागू की जाएगी और हर जिले में एक रेफरल अस्पताल बनाया जाएगा जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। हर जिले में एक स्पेशलाइज्ड शिशु चिकित्सालय अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। तारिक अनवर चंपारनी भी लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट पर, सरकार इस बात की सफाई पेश क्यों नहीं कर रही कि बुलेरो CRPF की गाड़ी से टकराई थी या फिर रिमोट से उड़ाया गया। जब रास्ते बर्फ के कारण बंद ही थे, तब बुलेरो वहां पहले से खड़ी क्यों मिली? जब बुलेरो पहले से खड़ी मिली तो मेटल डिटेक्टर से जांच क्यों नहीं हुई? इतनी भारी संख्या में RDF पाकिस्तान की सीमा से भारत कैसे पहुँचा? यदि पाकिस्तान से पहुँचा ही, तब क्या सीमा पर सेना की प्रहारी नहीं? इतना मजबूत सुरक्षा होने के बाद भी पाकिस्तानी लोग सीमा कैसे पार कर जा रहे हैं? यदि पार कर जा रहे हैं, तब भारत की कमजोरी है या पाकिस्तानियों की कायरता? जब CRPF ने एयरलिफ्ट की मांग किया, तब एयरलिफ्ट क्यों नहीं मुहैया कराया गया? खुफिया जानकारी होने के बावजूद इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्या सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहरा देने मात्र एक कश्मीरी को आतंकवादी घोषित कर देने मात्र से समस्या का हल हो जाता है? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागकर क्यों जवानों को जाने के लिए मजबूर किया? पंकज श्रीवास्तव ने भी लिखा है, देश भर में कश्मीरियों या आम मुसलमानों पर हमला आतंकी
स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। भारत तोड़ने में जुटे इन देशद्रोहियों को पहचानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।